से हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशोखुरम रखे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज मेरे साथ एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी, साहिवाल के मायानाज कारीगर, उस्तादों के उस्ताद, जिन्होंने साहिवाल से का जो है वो कढ़ाई का, चिकन कढ़ाई का, मटन कढ़ाई का, बीफ कढ़ाई का आगाज़ किया, और देसी मुर्ग कढ़ाई का जो थी वो इसकी बुनियाद रखी। यानी कि साहिवाल में उस वक्त ये ट्रेंड नहीं था कि साहिवाल में कोई लोगों को कढ़ाई का बिल्कुल भी नहीं पता था, कह लें आप। और इनके घराने ने आकर जो था वो कढ़ाई का आगाज़ किया और मक्खन का टच दिया। साहिवाल की आपको पता है गायें, भैंसे, मक्खन, दूध और दही के हवाले से जो है दुनिया में है वो मानी जाती है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो मानी जाती है। तो इस किस्म का जो ट्रेंड था, जो साहिवाल में कढ़ाई की बुनियाद थी, और इसके अलावा मोस्ट एक्सपीरियंस जो था वो उस्तादों के उस्ताद। आज मैं आपको बड़ा ही खूबसूरत साहिवाल का नाम, उस्तादों के उस्ताद, उस्ताद शकील अहमद लाहौरी मेरे साथ मौजूद है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह उन्होंने कढ़ाई की जो बुनियाद रखी। 12 साल एक बहुत छोटी उम्र से उन्होंने जो अपना काम, ज़िंदगी का, कैरियर का आगाज़ किया, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, देसी मुर्ग कढ़ाई, रान रोस्ट और बारबेक्यू और चाम्प्स, यानी कि एवरीथिंग जो उस्तादों के उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उनके पास जो है बेशुमार अल्लाह ताला ने उनको अपने हुनर के साथ जो है वो नवाजा है। तो आज मेरे साथ मौजूद है, तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ अपना ब्लॉग जो है शूट कर सकूँ, ब्लॉग जो है बना सकूं, और मेरी ये पर्सनली एक दिली ख्वाहिश थी। आज मुझे वो मिले और मुझे वो इस बात की बड़ी खुशी हुई। तो आज हम आपको मिलवाते हैं उस्तादों के उस्ताद, उस्ताद शकील अहमद लाहौरी से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने ब्लॉग में अपने फैमिली यूट्यूब मेम्बर्स के साथ जो है आपका इंट्रोडक्शन करवाऊँ। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपका इंटरव्यू करूँ। आपने कढ़ाई का आकर आगाज़ किया साहिवाल में, अपने उस्तादों के नाम आप मेरे YouTube फैमिली मेंबर्स के साथ जो है वो शेयर करें, कहाँ से आपने स्टार्ट किया? ऊँची बोलो। हाँ जी साहिवाल, ऊँची बोलो। साहिवाल जब हम आए थे, हाँ जी, तो लाहौर से जब आए थे ना, तो सन 82-83 की बात है, हाइस की शुरू किया लाहौर टिक्का हाउस, लाहौर टिक्का हाउस, लाहौर टिक्का हाउस। इससे पहले जो थे वो मेरे 6 मामू थे अफसल कढ़ाई वाले, वो चर्च रोड पे जोड़े सैनमे के सामने उनकी शॉप थी, वो 6 मामू थे, उन्होंने बुनियाद रखी। फिर हम भाई जी, तो आपके भाइयों ने स्टार्ट किया काम? मैं भाइयों के साथ ही आया। अच्छा, और इसमें कितने साल की उम्र से, जो 12 साल से स्टार्ट किया? 12 साल से लाहौर से स्टार्ट, लाहौर से स्टार्ट किया। तो अल्लाह ताला ने आपको इतना हुनर दिया, इनमें से कौन सी ऐसे खास लोग हैं जिनको आपने खाना खिलाया, कौन कौन से ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जी, उनका नाम भी ज़रा मेरे YouTube फैमिली के साथ शेयर करें आप? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत है मेरे ऊपर कि मुझे मैंने खाना खिलाया अपनी ज़िंदगी में। लाहौर में हम मजंग चुकी जे रोड बटी टिक्का और सामने कश्मीर चल गया उस होता था, वहाँ पर हम काम करते थे। वहाँ पर एयर मार्शल असगर खान साहब को खाना खिलाया, एयर मार्शल लाल पार्टी बनी ना उस वक्त ओपनिंग पे खाना हमने खिलाया उनको। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हैं, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के रहे हैं, उनके भाई उमर जी। फिर उसके बाद अतिया नायतुल्ला वज़ीर हैं, मुशर्रफ दौर से वो, यानी कि उनकी शादियों के आर्डर थे 2-3, वो भी हमने उधर दिए हैं बारबेक्यू के। उसके बाद फिर जहांगीर बदर साहब थे, उनके भी हमने चांपों के आर्डर दिए हैं, और वो
जज साहबान हैं हाई कोर्ट के जीवार शादमान में, उनके भी हम बारबेक्यू में चांपों के आटे लगाते थे। तो ऐसे आगे उसके बाद फिर वो वज़ीर आला मंजूर भट्टू थे अपने दौरे हुकूमत में, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो उस उनके बेटे की शादी थी तो वो लिबर्टी मार्केट की ग्राउंड में शादी का उधर बना हुआ था सारा सिस्टम, तो उधर हमने सबसे बड़ा जो आर्डर दिया था ना वो था बारबेक्यू। तो कितने लोगों का था तकरीबन वो? तकरीबन मेरे ख्याल में वो 10,000 बंदा होगा। 10,000 जी, माशाल्लाह ठीक हो गया। काम उधर 20 चूल्हे लगे हुए थे बारबेक्यू जी, और चने रोटी कुल्ला वगैरह और भी डिशें थी। अच्छा, वो किसी और ने प्रोवाइड की थी। अच्छा। लेकिन हमें जो टास्क दिया गया था कि आपने बारबेक्यू लगाना है तो हमने बारबेक्यू लगाया था जी। माशाल्लाह, यानी कि सबसे ज़्यादा आपने 10,000 यानी कि 10,000 लोगों को जो था। हाँ, सुबह 10 बजे के हम लोग गए हुए थे। अच्छा। तो रात 1:30 बजे जो है ना वो ख़त्म हुआ सारा सिस्टम। माशाल्लाह जी। दरमाना हंस के दहा थोड़ा है। खालस सरसों का तेल और ऑयल है जी। हाँ जी, सिद्धार्थ भाई क्या हाल चाल है जी? काम शाम ठीक चल रहे हैं माशाल्लाह। मज़ा आ रहा है आपको, लोगों की खिदमत हो रही है जी। माशाल्लाह सलामकम शाह भाई, क्या हाल है जी? जी जी भाई, शेफ साहब क्या हाल है जी? सर अल्लाह का शुक्र आप सुनाए, ठीक है जी। माशाल्लाह चाइनीज़ आपका कैसा चल रहा है जी? ये जी उस्तादों के उस्ताद उस्ताद मुजम्मल है जी, माशाल्लाह चाइनीज़ शेफ हैं, बहुत कमाल के शेफ हैं। ये वर्किंग हो रही है। इंजॉय हो रहा है भाई? हाँ जी सर, बस क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बड़े खूबसूरत लग रहे हो। बस सर ड्यूटी है, क्या करें। उस्तादों के उस्ताद उस्ताद शकील अहमद लाहौरी साहब, माशाल्लाह रश आप देख रहे हैं जी, कढ़ाइयों का रश, एक कढ़ाई दूसरी कढ़ाई, और यहाँ पे तकरीबन 14 भट्टियाँ हैं और 14 की 14 कढ़ाइयाँ जो है वो चल रही हैं। मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखाता हूँ ये। चेक कर रहे हैं माशाल्लाह कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम है। ये देखें जी, ये कढ़ाई, ये
देसी मक्खन से तैयार करदा खालस कढ़ाइयाँ जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह। चलें आज आपने मैंने आपको मिलवाया जी उस्तादों के उस्ताद उस्ताद शकील अहमद लाहौरी को, तो इनकी जो कढ़ाई बनाने का तरीका था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। किस तरह इनके पास रश होता है, लोग आते हैं 5 किलो मटन 10 केजी जो है वो बीफ कढ़ाई कर दें जी, देसी मुर्ग कढ़ाई कर दें, वो मैंने अपनी आंखों से जो था आज इनका वो हाल देखें जी। और माशाल्लाह किसी कढ़ाई में जो थी वो किसी किस्म की कमी पेशी नहीं होती, कह लें कि एक हाथ है जी उस्ताद का। और ना ये नमक चेक करते हैं मैंने, और ये पान चबाते हैं, ये इनका कह लें एक शौक है, ये और मेरा शौक ये है, और इनका, कोई शौक और इनका कोई ऐसा इसके अलावा कोई शौक नहीं है। दोस्त अगर इनको बुलवाते भी हैं तो ये पार्टीज़ बहुत कम अटेंड करते हैं, यानी कि इनके जो भी लोग इन्हें मिलने आते हैं वो अपनी खुशी से इनको इनामात देते हैं, 5000 10000 जो इनको इनाम में देते हैं कि आपकी कढ़ाई जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो आज उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरा आज का व्लॉग, और उस्ताद जी आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आप जो कढ़ाई का जो सीन था वो आपने स्टार्ट किया, तो सगला भाई आपका भी शुक्रिया, आप भी मेरे साथ मौजूद थे जी। तो उस्तादों के उस्ताद उस्ताद शकील अहमद लाहौरी को आज आपने देखा। उधर मेरे पास जितने भी लोग थे, फिल्मी अदाकार भी आते थे, अलियास कश्मीरी साहब विलन थे, वो हमारे पास घंटा घंटा बैठे रहते थे, अमानुल्लाह साहब थे, अच्छा वो भी आते थे, अफशा भी आती थी गुलकारा, और वो अलबेला साहब भी आते थे मजंग सिंगी जेल रोड पे, अफशा साहब भी आती थी, रेशमा भी आती थी, और हामद अली खान वो भी वहाँ पे अपनी फैमिली को लेकर आते थे हमारे पास खाना खाने के लिए। माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ऐसे लोगों से बड़ी देर से हमारा ताल्लुक था। आपका उस्ताद जी टोटल जो एक्सपीरियंस है जी वो तकरीबन माशाल्लाह कितने साल हो चुके हैं, 12 साल से लेकर अब तक जी स्टिल जो है ये मेरा 44 साल की सर्विस है। माशाल्लाह जी, मेरी अभी उम्र 44 साल नहीं हुई, लेकिन उस्तादों के उस्ताद उस्ताद शकील अहमद लाहौरी का जो है 44 ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कि 44 यानी कि ज़िंदगी जो पूरी थी पूरी ज़िंदगी जो है इसी शोबा में इन्होंने गुजार दी, और मेरी दुआ है कि जितने इनके शागिर्द हैं इन्होंने अपने शागिर्द भी बहुत सारे जो है वो मार्केट में जो इनके हैं वो काम कर रहे हैं, और अपने बच्चों का जो है वो बहुत मुल्क से बाहर भी हैं, मुल्क में भी काम कर रहे हैं, यानी कि दुबई इंडिया और इस तरह के यूके और बहुत से मुल्कों में जो है वो कढ़ाई का बारबेक्यू का जो है वो काम कर रहे हैं। तो उस्ताद जी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आप जो है मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली को यूट्यूब मेंबर्स को जो है आपने अपना सारा एक्सपीरियंस और अपनी सारी जो ज़िंदगी का जो हिस्सा था वो शेयर किया। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, सो मेरे चैनल इरफान भट्टी व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। उस्ताद जी आप भी रिक्वेस्ट करें जी बेल आइकन के, हाँ बेल आइकन को दबाएं और जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में मैं आपको बताना भूल गया जी, उस्ताद मोहतरम इस वक्त आलम दारुल माही मेन जीटी रोड ब्रांच पे जो है वो अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, तो आलम दारुल माही पे आप आएँ और खाना ज़रूर खाएँ, अपनी फैमिलीज के साथ हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत इसके टेस्ट का जो है उस्तादों के उस्ताद शकील अहमद लाहौरी साहब का जो टेस्ट है माशाल्लाह डिफरेंट नज़र आएगा इंशाल्लाह, और बहुत ही मज़ा आएगा, आप अपना फैमिली के साथ एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह निगेबान,